आम तौर पर कहा जाता है कि जिन्ना वड्डा अफसर उन्हें मोटे नोट छापते हैं। अगर आप सिस्टम की करप्शन की बात करें, जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी, एक्सेसिबिलिटी, मॉरल वैल्यूज अच्छी होंगी, जैसे मेरी देवभूमि हिमाचल में सिस्टम करप्शन फ्री है, हो सकता है। पंजाबी च गल करते हैं तो आम तौर पर कहा जाता है कि जिन्ना वड्डा अफसर उन्हें मोटे नोट छापद। मैं हंसूँ या ना हंसूँ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। सी देखो, करप्शन इंडेक्स की गल कर रहे हैं और खुल के गल करनी पड़ेगी। पंजाबी पंजाबी मुझे ज़्यादा नहीं आती, बट पंजाबी तो ये भी कहते हैं, बड़े बड़े जो दिशे लोग तिनको व्यापित चिंता लोग, राइट? यू आर राइट। बट जैसे इंसान बड़ा है, अफसर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, राइट? करप्शन सब्जेक्टिव इशू है, राइट? मैं हिमाचल में बैठा हूँ और मैं गर्व के साथ बोल सकता हूँ, हिमाचल पुलिस, हिमाचल सरकार, हिमाचल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत लेवल्स पे करप्शन फ्री है, राइट? नैतिक मूल्य बहुत स्ट्रांग हैं, मॉरल वैल्यूज हाई हैं, ट्रांसपेरेंसी हमने रखी हुई है, हर चीज़ में ट्रांसपेरेंसी है, इजी एक्सेसिबिलिटी टू नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, सर्विस डिलीवरी बहुत हाई है। अगर और तबकों में भी ऐसी चीज़ें आएंगी सामने तो करप्शन पर्स्पेक्टिव या करप्शन इंडेक्स डाउन जाएगा। बट सब्जेक्टिव इशू है, बड़े बड़े ही वो लोग थे जिन्होंने देश के लिए बेस्ट पॉलिसीज दी, राइट? पंजाब की बात करें, बड़े बड़े ही अधिकारी केपीएस गिल जैसे थे जिन्होंने टेररिज्म को इराडिकेट किया। केपीएस गिल पंजाबी विलन मानते हैं, उन्होंने पंजाबियों के लिए वो कोई हीरो नहीं है। मैं बहुत सारे पंजाबी, सिंस वो एक आईपीएस ऑफिसर थे और उन्होंने ग्राउंड पे जाके काम किया, जितना मैं अपनी बुक्स में पढ़ पाया, राइट? स्पेसिफिकली हम एक अच्छा काम देखें जो उन्होंने पंजाब के लिए किया, राइट? एंड कहने का मतलब ये है, अगर आप सिस्टम की करप्शन की बात करें, जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी, एक्सेसिबिलिटी, मॉरल वैल्यूज़ अच्छी होंगी, जैसे मेरी देवभूमि हिमाचल में सिस्टम करप्शन फ्री है, हो सकता है। उदाहरण है हिमाचल, केरला जैसे प्रदेश उदाहरण है। पंजाबी च गल करते हैं तो आम तौर पर कहा जाता है कि जिन्ना वड्डा अफसर उन्हें मोटे नोट छापद। मैं हंसूँ या ना हंसूँ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। सी देखो, करप्शन इंडेक्स की गल कर रहे हैं और खुल के गल करनी पड़ेगी। पंजाबी पंजाबी मुझे ज़्यादा नहीं आती, बट पंजाबी तो ये भी कहते हैं, बड़े बड़े जो दिशे लोग तिनको व्यापित चिंता लोग, राइट? यू आर राइट। बट जैसे इंसान बड़ा है, अफसर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, राइट? करप्शन सब्जेक्टिव इशू है, राइट? मैं हिमाचल में बैठा हूँ और मैं गर्व के साथ बोल सकता हूँ, हिमाचल पुलिस, हिमाचल सरकार, हिमाचल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत लेवल्स पे करप्शन फ्री है, राइट? नैतिक मूल्य बहुत स्ट्रांग हैं, मॉरल वैल्यूज़ हाई हैं, ट्रांसपेरेंसी हमने रखी हुई है, हर चीज़ में ट्रांसपेरेंसी है, इजी एक्सेसिबिलिटी टू नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, सर्विस डिलीवरी बहुत हाई है। अगर और तबकों में भी ऐसी चीज़ें आएंगी सामने तो करप्शन पर्स्पेक्टिव या करप्शन इंडेक्स डाउन जाएगा। बट सब्जेक्टिव इशू है, बड़े बड़े ही वो लोग थे जिन्होंने देश के लिए बेस्ट पॉलिसीज दी, राइट? पंजाब की बात करें, बड़े बड़े अधिकारी केपीएस गिल जैसे थे जिन्होंने टेररिज्म को इराडिकेट किया। केपीएस गिल पंजाबी विलन मानते हैं, उन्होंने पंजाबियों के लिए वो कोई हीरो नहीं है। मैं बहुत सारे पंजाबी, सिंस वो एक आईपीएस ऑफिसर थे और उन्होंने ग्राउंड पे जाके काम किया, जितना मैं अपनी बुक्स में पढ़ पाया, राइट? स्पेसिफिकली हम एक अच्छा काम देखें जो उन्होंने पंजाब के लिए किया, राइट? एंड कहने का मतलब ये है, अगर आप सिस्टम की करप्शन की बात करें, जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी, एक्सेसिबिलिटी, मॉरल वैल्यूज़ अच्छी होंगी, जैसे मेरी देवभूमि हिमाचल में सिस्टम करप्शन फ्री है, हो सकता है। उदाहरण है हिमाचल, केरला जैसे प्रदेश उदाहरण है।